तो उबैद भाई, ये हो गया है किसी शॉप वाले की बात, लेकिन कोई स्टूडेंट है ये वीडियो देख रहा है, या कोई जॉब करने वाला आदमी ये वीडियो देख रहा है, या कोई महिला है वो अपने घर से ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, उनके पास खुद की शॉप नहीं है, उनके पास खुद का दुकान नहीं है, उनको अपने घर से स्टार्ट करना है, अपने फ्रेंड से, अपने आजू बाजू के लोगों से सेल करके उसके बाद वो एक्सपीरियंस लेके जो है अपना शॉप वगैरह स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या प्रोसीजर होती है, मतलब उसके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण पवार स्वागत करता वो आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के कमेंट्स के वजह से हमने आज एक वीडियो शूट किया है। दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट्स कर रहे थे, हमारे व्यूवर्स जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, उनका ये कहना है दोस्तों कि पढ़ाई के साथ हमें कुछ बिजनेस करना है, तो उसी बिजनेस की खोज में मैं चला आया हूँ नूर फैशन में। नूर फैशन के जो ओनर है मिस्टर उबैद सर जी, उनसे मिलने। तो इस बिजनेस की खासियत ये है दोस्तों कि अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप जॉब करते हो, चाहे आप हाउसवाइफ भी हो या चाहे आप कुछ अलग व्यवसाय भी करते हो, उसके साथ साथ ये बिजनेस आप कर सकते हो दोस्तों। पार्ट टाइम में ये बिजनेस आप स्टार्ट करके एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए उबैद भाई से जानते हैं कि एग्जैक्टली ये बिजनेस क्या है, इसको किस तरह से किया जाता है, अगर ये बिजनेस हम करेंगे तो इसमें हम कितना प्रॉफिट कमा सकेंगे, इसमें जो इनकम आएगा वो कितना आएगा, ये सारी चीज़ें उबैद भाई हमें बताने वाले, ना कि सिर्फ बताने वाले हैं, वो पूरा का पूरा हमें सिखाने वाले कि बिजनेस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं उबैद भाई का। नमस्कार उबैद भाई। तो उबैद भाई, जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए बिजनेस एग्जैक्टली है क्या। अगर कोई भी बंदा अगर बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस काफ़ी अच्छा है, तो ये बोलूँगा कि अगर बंदा कोई भी है कि 50 से 60 हज़ार के अंदर बिजनेस कर सकता है। अगर कोई भी नॉर्मल बंदा एक नॉर्मल शॉप, तो एक 50-1 हज़ार का माल ले जाके जो है ना धंधा स्टार्ट कर सकता है। तो उसमें क्या है कि हमारे पास अगर बंदा आता है तो उसको हम पूरा गाइड करते हैं कि किस टाइप का उनके पास आर्टिकल चलता है, अभी क्या ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, वो एरिया में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, वो हम उसको बताते हैं। अच्छा। तो वो हिसाब से काफ़ी अच्छा। और इनकम की बात करें तो इनकम अगर महीने का अगर उनका सेलिंग के ऊपर है, सेलिंग उसका क्या है, तो यही बोलूँगा अगर कोई भी बंदा जो है तो 30 से 40% मार्जिन है इसके अंदर। अच्छा। हाँ, 30 से 40% रिटेलर शॉप जो वाले बंदे जो रहते हैं ना, रिटेल जो शॉप एक चालू करते हैं तो 30 से 40% उसका मार्जिन रहता है। हाँ, तो बाकी तो आराम से अगर महीने का अगर पर मंथ का अगर धंधा जो अगर उसका होता है, अगर 1,00,000 रुपये का बाइचेंस उसके शॉप पे अगर धंधा होता है, तो कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये कमा सकता है, रेंट वेंट भर के महीने का 20 हज़ार रुपये आराम से बचा सकता है। अच्छा। तो एग्जैक्टली ये बिजनेस क्या है, इसे किस तरह से किया जाता है उबैद बिजनेस? ये अगर हमारे पास जो जीन्स आता है, हमारे पास जो जीन्स है, शर्ट है, तो जीन्स का जो हमारे पास स्टार्टिंग 400 से होता है, 400 से लेकर 550 के रेंज तक होता है। मगर अगर वो रेंज का अगर नहीं भरना है तो 400 से लेकर 450 के आसपास का जो भी आर्टिकल लेके जाएगा ना बंदा, तो इजी जो सेल हो जाता है 600-650 में आराम से ग्राहक लेके जाता है। अच्छा। उतने में आराम से बिकता है। और शर्ट जो है हमारे पास 250 से लेकर 300 के रेंज का है, तो शर्ट जो है अपना आराम से बिक जाता है 500-450 में। अगर पर पीस के पीछे अगर एक जोड़ी कस्टमर को बेचता है बंदा, तो कम से कम जो उसको जो है 300-400 के आसपास प्रॉफिट मिलता है उनके सेलिंग के हिसाब से। और उनको उसका शॉप कैसे डिफरेंट ये होता है कि शॉप को अपना कैसा बनाता है, वो किस टाइप का बना के वो हिसाब से उसने किस रेट में बेचना है। अच्छा। उनके ऊपर कंसेप्ट आता है। तो उबैद भाई, ये हो गया किसी शॉप वाले की बात, लेकिन कोई स्टूडेंट है ये वीडियो देख रहा है, या कोई जॉब करने वाला आदमी ये वीडियो देख रहा है, या कोई महिला है वो अपने घर से ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, उनके पास खुद की शॉप नहीं है, उनके पास खुद का दुकान नहीं है, उनको अपने घर से स्टार्ट करना है, अपने फ्रेंड से, अपने आजू बाजू के लोगों से सेल करके उसके बाद वो एक्सपीरियंस लेके जो है अपना शॉप वगैरह स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या प्रोसीजर होती है, मतलब उसके लिए अगर उनके अगर पहचान में अच्छे है, अगर आजू बाजू में पहचान वाले अच्छे हैं, उनके जो स्टूडेंट भी हो गए, अब दोस्त यार अच्छे हैं उनके, तो उनके सपोर्ट करेंगे, तो वो हिसाब से उनका कुल उनका धंधा ज़्यादा होएगा। बाकी आजू बाजू भी लेडीज़ जो है अगर धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है, कई लेडीज़ लोग भी आते हैं लेने के लिए। अच्छा। होल सेल में। अच्छा। तो वो भी मतलब पहले स्टार्टिंग करे होंगे, घर से स्टार्ट करे होंगे, बाद में शॉप डाले होंगे वो। तो हमारे पास कई लेडीज भी आते हैं, कई जेंट्स भी आते हैं, और ऑल ओवर इंडिया से हर स्टेट से लोग हमारे पास आते हैं और हमारे यहाँ से माल भी जाता है। तो अगर अगर उनके पहचान वाले अच्छे हैं लेडीज के,
तो कुछ लेके जाते हैं, अगर सेलिंग होता है तो सेलिंग अगर हुआ तो अच्छा है, अगर नहीं होता है तो हमारा जो पीस जो रहता है ना तो हम वो एक्सचेंज करके दूसरा देते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, अगर उनके पास क्या चलता है उनको समझ में आता है। कई लेडीज लोगों को क्या होता है कि मालूम नहीं रहता है कि नए नए चालू करने के बाद हमारे पास ये चलेगा कि नहीं चलेगा, कुछ भी भर लेते हो लोग, मतलब कुछ भी आर्टिकल खरीदी कर लेते हैं। तो उनका क्या कहने का मतलब, एक्सचेंज करके हम दूसरा आर्टिकल उसको प्रोवाइड करते हैं उनको दूसरा, मतलब उसके अंदर अगर बाई चांस अगर जीन्स लेके गया समझो, तो अगर जीन्स उनके पास कम रनिंग है, शर्ट ज़्यादा रनिंग है, ट्रैक पैंट ज़्यादा रनिंग है, तो वो लेके हम उसको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, तो उबैद भाई अगर कोई स्टूडेंट है ये वीडियो देख रहा है, कोई जॉब करने वाला ये वीडियो देख रहा है, तो उनको अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो उनको ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शुरू में कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है उबैद भाई? अब मैं लोगों के जैसा तो बोल नहीं सकता कि भाई 50,000 में 30,000 में स्टार्ट होगा, कम से कम ये बिजनेस जो है कम से कम स्टार्ट करने के लिए स्टार्टअप लाख रुपया लगता ही लगता है, उसके नीचे नहीं होता है। अभी मैं जब स्टार्ट किया था तो जब लाख रुपये से स्टार्ट किया था आज ये मुकाम पर पहुंचा हूँ, तो जब तक वो मेहनत नहीं करेगा बंदा जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, मेहनत के ऊपर सब होता है। आप सोचेंगे कि भाई हमने शॉप चालू कर ली है बैठ गया आराम से, वो नहीं होता है, मतलब उसके साथ मेहनत भी जारी होना चाहिए, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। कम से कम लाख रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं सेटअप बैठा के, पूरा सेटअप वटअप करने के बाद लाख रुपये का माल खरीदी करके जो है ना अपने शॉप पे, उसके बाद स्टार्टअप उसमें धीरे धीरे कर सकता है, वही बेचो, मतलब वही पैसे से जो है ना मतलब माल खरीदो और बेचो, माल खरीदो और बेचो। ये बात बताई उबैद भाई ने कि लाख रुपये का माल लेना है, लेकिन किसी को अगर सैंपल मंगाना होगा 10-20 हज़ार रुपये का, अगर उसको ट्राई करके देखना है कि ये बिजनेस मेरे से होगा कि नहीं होगा, और उसके बाद वो मतलब हिम्मत करेगा शॉप डालने की, क्योंकि ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे हमारे कस्टमर्स के लिए। तो अगर जो भी बंदा है अगर 10-20 10,000 में कम से कम 15,000 का जो है ना माल मंगा सकता है, मतलब ट्राई करने के लिए ऑल ओवर इंडिया कौन से भी स्टेट से होगा ना बंदा, मतलब इंडिया के अंदर कौन से भी कोने से है ना बंदा, अगर 15,000 का माल मंगाना चाहता है तो 15,000 का माल हम लोग देते हैं उनको, कि उसमें सब आइटम मिला के अगर चाहिए उनको, शर्ट जीन्स ट्राउज़र मतलब हर एक आर्टिकल मिला के अगर चाहिए तो उनको हम लोग 15,000 का माल प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग। तो दोस्तों उबैद भाई जो है कम से कम 1,00,000 रुपए के ऑर्डर लेते हैं दोस्तों, कम से कम आपको उनसे ये 1,00,000 रुपए का माल खरीदना होता है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर उबैद भाई ने जो है, आप अगर बिजनेस का जुनून है आप में, आपको अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना है दोस्तों, आप 1-3 महीने का अपना पॉकेट मनी जो है संभाल के रखो और उसमें आप एक बिजनेस ट्राई करके देखो। इसी के लिए आप उबैद भाई भी जो है एक युवा है और उनको भी लगता है कि हमारे देश की युवा जो है बढ़ते जाए और बिजनेस करे, इसी के लिए उन्होंने भी ये फैसला लिया है कि हम जो है एक चांस देते हैं युवाओं को, जो जिनको बिजनेस करने की जो है इच्छा है उनको एक चांस देते हैं, और उनको जो है 15,000 से लेके 20,000 का कम से कम आपको मिनिमम 15,000 से 20,000 रुपए का एक सैंपल पैकेट मंगाना होगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा पीस चलता है कौन सा नहीं। और दोस्तों आप YouTube पे जाके 10 वीडियो देखो 20 वीडियो देखो, आपको जितने चाहे उतनी वीडियो देखो, सबसे सस्ता माल यहाँ पे मिलेगा, सबसे क्वालिटी माल। ऑल अपना हर स्टेट से अपना माल कम ही रहता है रेट के अंदर, ये दोस्तों आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। जैसे कि उबैद भाई ने बताया सारी चीज़ें, तो जो उबैद भाई जो हमारे व्यूवर्स है जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इनमें से किसी को माल मंगाना रहेगा, किसी को ये बिजनेस स्टार्ट करना रहेगा, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है ज़्यादा बता दीजिए हमारे व्यूवर्स। प्रोसीजर ये, अगर बंदा शॉप पर आना चाहे तो शॉप पर आएगा, तो मैं बोलता हूँ शॉप पर पहले, मेरा काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब पे है, अच्छा, और मेरा खुद का भी चैनल है और काफ़ी वीडियो भी है, तो वो हिसाब से वहाँ भी जाके देख सकते हैं। मैं बंदा को क्या बोलता हूँ, पहले ये बोलता हूँ कि मैं शॉप पे एक बार विजिट करो, विजिट करने के बाद उनको मालूम करेगा कि बंदा जेन्युइन है कि नहीं है, कि इनका शॉप है कि नहीं है, क्या है कि आज के डेट में कई फेक भी वीडियो बनाते हैं, तो वो हिसाब से कि अभी बंदा दुकान बंदे का है कि नहीं है, शॉप है कि नहीं है, बंदा जगह पे है कि नहीं है, वो हिसाब से उनको पहले चेक करना। अगर कोई बंदा अगर मतलब महाराष्ट्र का जो भी बंदा है, तो वो बंदा अगर बाहर का बंदा है तो वीडियो कॉल पर माल निकाल सकता है, वीडियो कॉल से मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई बंदा जो वही है कि दूसरा है, वीडियो कॉल करता हूँ। तो बाकी आप शॉप पे भी आके ले सकते हो, बाकी ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी हो तो कम से कम 30 से 50 पीस के आसपास का हम लोग का ऑर्डर रहता है कम से कम, उसके ऊपर आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। और जो बंदा स्टार्टअप करना चाहते हैं उसके लिए भी है, जो स्टार्टअप कर चुका हुआ है उसके लिए भी है, जो होलसेलर बंदा है उसके लिए भी है, सबके लिए प्रोवाइड करते हैं हम।
तो दोस्तों जैसे कि उबैद भाई ने बताया, उनका नूर फैशन जो है काफ़ी रेप्यूटेटेड ब्रांड है दोस्तों। उनका यूट्यूब पे खुद का चैनल है, काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूब पे उनके इंटरव्यूज है दोस्तों। तो काफ़ी आप जो है ट्रस्टवर्दी है, उनके पास से आप जो है बिल्कुल बेझिझक के सामान ले सकते हो दोस्तों। तो अगर आपको इनसे कुछ लेना होगा, आपको अगर ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनसे जो है मटेरियल लेना होगा, तो डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर है, स्क्रीन पर भी उनका नंबर रिफ्लेक्ट किया रहे। और अगर आप पुणे और महाराष्ट्र के आसपास रहते हो तो उनसे जाके मिलिए, उनसे आप सलाह लीजिए, वो आपको गाइड भी करेंगे अच्छे से। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, आपका मूल्यवान समय देने के लिए थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू उबैद सर।